महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर